समय का चक्र घूम गया है। पहले अनुकूल था, अब प्रतिकूल हो रहा है। जो कहती थी आप, वह सुनता था आपका पार्टनर, आपका पति। अब जो जो कहते हैं आप, केवल उन बातों को नहीं मानना चाहता। तुम झूठी हो, तुम प्रेम नहीं करती मुझसे, तुम मेरी नहीं हो, तुम सारी बातें बनाकर बोलती हो। अब तुम में वो बात नहीं है, तुम प्रेम नहीं करती मुझसे। तुम मेरे पैसे को, मेरी शोहरत को देखकर मुझसे शादी की हो। तुम खींच रही हो इस रिश्ते को, तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं इस रिश्ते में। ऐसी ऐसी तथ्य आपके सामने रखे जाते हैं कि आपकी जुबान ही बंद हो जाती है। क्या कहूं, कैसे अपना हृदय खोल कर दिखाओ तुम्हें कि कितना प्रेम, कितना सम्मान इस रिश्ते के लिए मेरे मन में है। कैसे मैं बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे मस्तिष्क पर हो। मैं कैसे दिखाऊं, कसमें खाती हूं, कसमें झूठी लगती है। जो बोलती हो उस पर विश्वास नहीं तुम्हें। जमाना अलग खिलाफ है मेरे, इस रिश्ते की तो खैर नहीं। रिश्ता तो टूट ही चुका है, अंतिम सांस ले रहा है, कुछ कागजी कार्रवाई बाकी है। और जहां कागजी कार्रवाई नहीं भी हो रहे हैं, अब तो बच्चे हैं, तलाक क्या होगा, वहां ये रिश्ता अपनी अंतिम सांस ले रहा है। घर में आप भोजन करती हैं और बेइज्जत होकर रहती हैं। फिर मेरी बहनों, अपने बेडरूम पे लगे घड़ी के पीछे लिख दे एक छोटा सा अंक। आज मैं जो अंक बता रही हूँ, न जाने कितने शोध करके यह अंक निकाला गया है। हर ग्रह को मुट्ठी में रख कर यह अंक निकाला गया है। केवल घड़ी के पीछे यह अंक लिख दे और चुपचाप लिख दे, किसी को इस बात का पता ना चले। समय जो प्रतिकूल चल रहा है, आपके अनुकूल ना चलने लगे। आपका पति, आपका प्रेमी, आपका पार्टनर ना हो जाए आपकी मुट्ठी में, तब कहिए। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तक की रेखाएं। कुछ आप न कहें तो पढ़ लेती हूँ आपकी चुप्पी भी। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। मेरे मित्रों, जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, हम बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने जीवन को जीते हैं, मस्ती करते हैं, खाओ पियो, टीवी देखो, हंसी मजाक करो और दिन निकल जाए। बच्चे आंखों के सामने कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला, जीवन इतना आनंदमय रसमय रहा। लेकिन जब समस्याएं होने लगती है तो ये दिन भारी हो जाते हैं। आज तो कट गया, कल कैसे कटेगा पता नहीं। दिन नहीं कटते, क्या साल कटेंगे और क्या हमारी उम्र कटेगी। जब समय आपको मुंह तोड़ जवाब देने लगे, समय आपके प्रतिकूल हो जाए, समय आपको घबराने लगे, आपको डर लगे कल फिर सुबह होगी और कल फिर ये कार्यक्रम शुरू होगा जिसमें मुझे अपमानित किया जाएगा, मेरी बात नहीं समझी जाएगी, मुझ पर फिर लगेंगे कुछ इल्जाम, फिर मैं क्या करूंगी, फिर मैं कैसे समझाऊंगी, इस समय को मैं कैसे करूं अपने अनुकूल। एक बात बताती हूँ, आपकी ज्योतिष आप खुद हैं, आपकी पंडित आप खुद हैं, आपकी मौलाना आप खुद हैं, आपकी ओझा आप खुद हैं। कोई ओझा, कोई मौलवी, कोई मौलाना, कोई पंडित, कोई पुजारी आपकी व्यथा को, आपके दुख को उस हद तक नहीं समझेगा जिस हद तक आप समझती हैं अपनी संवेदनाओं को। इसीलिए जो जाते हैं इनके पास जाए, आप ना जाए, आप करें अपने घर में एक छोटा सा उपाय। और कैसे समय को आप अपनी मुट्ठी में करती हैं, स्वयं आप अपनी आंखों से देखें। अनगिनत धन्यवाद के मैसेजेस आते हैं मुझे, वॉइस मैसेजेस आते हैं, लेकिन यह बहुत छुपे रूप से होता है। सभी कहते हैं कि हमारी बात किसी और को माता जी ना बताएं। कुछ लोग तो कहते हैं कि दीदी आप जो जो बातें बोल रही हैं बिल्कुल वही हो रहा है मेरे साथ। इसका मतलब परमात्मा ने मुझे माध्यम के रूप में चुना है, इस रेडियो को आपकी आंखों के सामने अगर लाया गया है तो ये आया नहीं है। कोई यूनिवर्स की शक्ति है, आपके अच्छे कर्म है कि यह वीडियो आपकी आंखों के सामने से गुजर रहा है। धन्यवाद अर्पण कीजिए ईश्वर का, मैं केवल माध्यम हूँ, मुझे आप गुरु मानती हैं, नमन करती हैं, नमन करते हैं, दीदी बोलती हैं, बहन जी बोलती हैं, माँ बोलती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं केवल एक माध्यम हूँ।
मेरी वजह से घर टूटने से बच रहे हैं, दिल टूटने से बच रहे हैं, कृपा है उनकी। अपने बेडरूम में जब आप आंखें खोलती हैं तो सामने की दीवार पर घड़ी लगाएं, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, घड़ी हर घर में होती है, दीवार घड़ी की बात कर रही हूं, छोटी हो बड़ी हो। केवल पूर्व और उत्तर की दीवार पर ही घड़ी लगाएं, इस बात का ध्यान रखें, मैं पहले ही बताई हूं, उत्तर और दक्षिण ही पति पत्नी सोए और पति पत्नी की आंख खुले तो उत्तर के दर्शन हो, अर्थात उत्तर की दीवार पर आपकी घड़ी भी लगी हो। अगर पूर्व की दीवार पर लगी भी हो तो चलेगा, आप साइड से भी ऐसे देख सकती हैं, परंतु उत्तर की दीवार पर हो तो सर्वोत्तम। हरे रंग का स्केच पेन ले लें, कलम ना ले, पेन ना ले, स्केच पेन ले, रंगों वाले हरे रंग का। आज बुध पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप कहेंगे दीदी बुध का तो संबंध धन से है, बुध अगर बिगड़ता है तो धन की कमी होती। नहीं, बुध का प्रथम लक्षण है पति पत्नी में तनाव आना, झगड़े आना, लड़ाइयां होना, तो प्रथम घर को ही हम सुधार देंगे। झगड़े नहीं होंगे, बहस ही नहीं होगी, फिर लड़ाई काहे का और इल्जाम काहे की। आज बुधवार का दिन चुने आप, स्नान करें और हरे रंग का कपड़ा पहने, हरी साड़ी पहन ले, पुरुष है तो हरी शर्ट टी शर्ट जो है आपके पास हरा, कम से कम एक वस्त्र भी हरा अवश्य पहने। कुछ खाए बिना कोशिश करें जब तक आप ये उपाय कर न ले कुछ बोले भी नहीं, क्योंकि छोटा सा उपाय है, एक अंक लिखना मात्र है। हरे रंग की स्केच पेन ले लें, घर में कोई ना देखे तो आप क्या करें, बेडरूम का दरवाजा चिटकिनी अंदर से लगा दें, क्षण भर के लिए, मिनट भर के लिए। आप कपड़े बदलने के लिए भी कभी कभी लोग अपने बेडरूम का कमरा लगा देते हैं ना, उसी तरह लगा दीजिए, किसी को पता नहीं चलेगी। उत्तर की दिशा को नमन करें, यह पूजनीय दिशा होती है, वैसे भी दाम्पत्य सुख इधर से मिलता है, नमन करें, घड़ी को उठाएं, हटा लें दीवार से और उस जगह को किसी सूखे कपड़े से पोंछें। आप कहेंगे कोई गंदा नहीं, हमारे घर बहुत साफ होता है, वहां कुछ गंदा नहीं, फिर भी उस स्थान को आप साफ करें। अपने कुछ औरतें अपने आंचल से करती है, करें, वह पवित्र स्थान है, आप ही को उत्तर का सुख मिलेगा। अपने रुमाल से करें, किसी साफ जूठा कपड़ा ना हो, गंदा काला कपड़ा ना हो, उस दिशा को साफ करें, उस स्थान को साफ करें जहां घड़ी लगाई हो, वह वक्त है, वही तो हमारे प्रतिकूल घूम जाता है और स्थिति बिगड़ जाती है। घड़ी हटा ले, पोंछ ले उस दीवार को, ध्यान दे, हरे स्केच पेन से वहां आप लिखें 88 66 88, अर्थात 88 66 88 आपने लिख दिया। ठीक उसके नीचे प्रथम आप अपना नाम लिखें, महिला जो है पत्नी जो है, प्लस का चिन्ह दें और अपने पति का लिखें, और पति कर रहे हैं तो प्रथम अपना नाम लिखें, मान लीजिए सुरेश लिखा आपने प्लस सीला जो है पति का नाम प्लस पत्नी का नाम, जो कर रहा है यह उपाय वो प्रथम अपना नाम लिखे। मैं खुद से जोड़ रही हूँ पति को, समय अनुकूल कर रही हूँ, हमारा नाम लिख दे चुपचाप, बहुत ज्यादा छोटा ना लिखे जीरे के साइज का कि वो अंक कार्य ही ना कर पाए, और बड़ा बड़ा भी ना लिख दे कि घड़ी को क्रॉस करके वो बाहर निकल जाए और आपके सारे भेद खोल दे। अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें, मध्यम साइज में लिखें और पुनः घड़ी को वहां लगा दे। किसी को तब तक पता ना चले जब तक यह घड़ी उतरे नहीं किसी और के हाथ से कम 24 दिन, 6 × 24 छह अंक होता है बुध का, 6 अंक होता है उत्तर की दिशा का, दाम्पत्य सुख का। कम से कम 24 दिन इस अंक को कोई ना देखे, कोई ना इसे मिटाए, कोई ना पूछे, और यदि महीनों तक इसे किसी ने नहीं देखा तब तो सर्वोत्तम, समझिए परमात्मा की मर्जी। इस घड़ी को आपने फिर से वहां लगा दिया। नित्य जैसे हम सोकर उठते हैं तो किसी भगवान के कैलेंडर को, फोटो को, सूर्य को देखकर दर्शन करते हैं, नमन करते हैं, नित्य इस घड़ी को आप देखिए, इसके पीछे छुपे अंक को झांकने की कोशिश कीजिए। झांकना मतलब घड़ी हटाकर नहीं झांकना, फिर तो भेद ही खुल जाएगा आपका। इस अंक को मस्तिष्क में चलने दीजिए, 88 66 88 आप दोनों का नाम प्लस में लिखा है, घड़ी के दर्शन कीजिए, एक बार प्रणाम भी कर लीजिए। क्या है ये, कोई भगवान की तस्वीर नहीं है, यह समय है, यह सब पर भारी होता है, इससे बड़ा भगवान कौन। बस आपको इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, आप एक बार करके देखें यह चमत्कारी टोटका और देखें कैसे पति और पत्नी का समय
एक समान दिशा में चलना प्रारंभ होता है। जैसे कहते हैं ना कि हम दोनों लाइफ पार्टनर कदम से कदम मिलाकर साथ चलते हैं, बिल्कुल यही स्थिति आ जाएगी आपके जीवन में। जरूर करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।